ओडिशार अगणित ज्ञानी गुणी दर्शक मानू ज्ञान मंच रु थी नतमस्तक प्रणाम जनईकी आरंभ करुच्ची आउ एक नुआ अध्याय ज्ञान जोटी ज्ञानर चर्चा चले से जगह कहते ज्ञान मंच जोटी ज्ञानर आदान प्रदान करा जाए बा ज्ञान दि जाए ज्ञान निजाए से हूँ ज्ञान गुरुर मंच चलतु ज्ञान गुरुर आउ एक नुआ अध्याय आरंभ करवा जार ना जहाँ सुरु सोर ना ज्ञान गुरु सीजन टू अध्याय आरंभ रु चलतु आज अध्याय जो दुई जन प्रतिजोगी अच्छा आम सहित ए मंच को निमंत्रण करवा से दुई प्रतिजोगी मध्य प्रथम प्रतिजोगी हेले पूर्णिमा पंडा जे आसी पारादीप्रु नमस्कार आम कार्यक्रम को स्वागत ज्ञान गुरु मंच में वर्तमान आपण कौन कहे के फिल आसी मन भितर खुशी लगुच किए किए आ घर घर झी नातुणी समुदी समुद्री भी हाँ समुद्री भी अरे बा ए तो अति सुंदर कथा प्रस्तुत अच्छा आप कार्यक्रम देखते हाँ देखे समय समय देखे घर काम भी व्यस्त भितर जो समय मिले देखे ठीक अच्छे आगू तो कार्यक्रम जारी रही आपण ज्ञान आम परीक्षा करवा आपण कि ज्ञान नवा आपण को कि ज्ञान ए मंच दब तो अनुरोध करी आपण आपण स्थान ग्रहण करतु बहुत बहुत धन्यवाद आमर जे द्वितीय प्रतिजोगी सनातन जेना सी आसी पुरी रु तांको स्वागत करवा मंच को सनातन बाबू स्वागत करुचु आमर ए कार्यक्रम को ये हूँ ज्ञान गुरुर मंच ए मंच को आसवापी बहुत अपेक्षा करने को पड़ी थाए युवक अवस्था ज्ञान गुरुर मंच आध्यात्मिक बाद नहीं कि आसी किसी ज्ञान दवापाई आउ किसी ज्ञानर आलोचना करने प्रस्तुति केमती प्रकार अच्छी बहुत प्रकार देखूँ जमीक आम आराध्य ठाकुर होती पुरीर जे कि आज मानने पतित मानक रक्षा करने पतित पावन बाना उड़ाई नीलाद्र शख मध्य सतदल कमले रत्न सिंह आसनस्थौ सर्वालंकार युक्त नवघन रुचिर संयुक्त जाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचलन युक्त ब्रह्म रुद्रंगं बंदं देवानां सारमेशं सजन परिवृत्त ब्रह्मदारु स्मरामी ब्रह्मदारु स्मरामी से जगतनाथ जगन्नाथ जहाँ इच्छा रे सारा दुनिया प्रचलित बा सारा दुनिया ही छिड़ाई इच्छा रे इच्छापी आज मुठिक आसी से जगतनाथ जगन्नाथ समस्त को भल बहुत बहुत धन्यवाद युवक अवस्था आध्यात्मिक बाद देखा यह जगतर सब युवक मानक एक उदाहरण सारी आप बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को आउ थे स्वागत करुच्ची अनुरोध करी आपण आपण स्थान ग्रहण करते दुई प्रतिजोगिता आम पाखे उपस्थित हो सारी ए मंच को निमंत्रण करवा आमर गुरुदेव प्रिय गुरुदेव डॉक्टर शांतनु रथ महोदय को प्रणाम गुरुदेव प्रणाम आज अध्याय आपण को मुहर आम समस्ते मु खाली एका नुहे आम समस्ते टीवी रे देखु प्रत्येक दर्शक मानकर कान चातक पक्षी पर चाहिए रही आपण को मुहर किसी ज्ञान शुणापी आज मंच रे जड़े युव प्रतिजोगी महाप्रभु श्री जगन्नाथ गोटे श्लोक गाइले वेदानां सारमीसं स्वजन परिवृतं दारु ब्रह्मं स्मरामि एवं से कहले जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ इच्छारु मु आसी एटा होची प्रत्येक उत्कलियंकर गोटे भावावेगर कथा समस्ते महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे निजकु समर्पित करि समस्त कार्य तांकरी इच्छा नहीं होउची ए प्रकार गोटे विश्वास एवं आवेग निज भितर सबुबले धरी रखिथांती सेइतिपाई जेकोनसी मांगलिक कार्य आम करू प्रथम महाप्रभु जगन्नाथ को स्मरण करूँ एपरिक प्रथम निमंत्रण पत्रटे मैंने जगन्नाथ को आसिक समर्पण करती लेखक मैंने बहीटे लिखिले महाप्रभु श्री जगन्नाथ को गोटे बही दिखती प्रथम तेणु निजर समस्त कर्म निजर समस्त कृति ये सबको निजे करुवा सत्वे सबुगुड़िक महाप्रभुंर आशीर्वाद सबुगुड़िक महाप्रभुंर प्रेरणा एवं सबुगुड़िक महाप्रभुंर कृपा मु निमित्त मात्र
एक प्रकार गोटे भावना उत्कलियंकर एक अनन्य भावना जो विश्वर अन्य कोठी आम एक देखा पाना ये भावना को जदि समस्ते आम धरी रखा महाप्रभु जगन्नाथ प्रति थोड़ा भावना धीरे 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 शक्तिशाली हम एवं आम मान शेष जीवन शेष पर्यायर आम जो पहुँचवा आमको संपूर्ण भाव ईश्वर समर्पित कर जीवन सबुठ श्रेष्ठ उपलब्धि हूँ मनीष जितेबले संपूर्ण भाव ईश्वर समर्पित हो जाए ता जीवन मुक्ति एवं मोक्ष जहाँ बोली आम कहू से मुक्ति मोक्ष आठ न थाए मानसिक एवं चित्त स्तर में भगवान पाखे संपूर्ण समर्पित हो मुक्ति एवं मोक्ष से भावना उत्कलीय मान पाखे अच्छी से भावनार झलक आम आज ये मंच में देखिले बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करुच्चे आउ थे ये मंच को अनुरोध करी आपणकर स्थान ग्रहण करते मन भितर बेले बेले प्रश्न हुए सी कहीं एत उच्च बसला मु कहीं नीचर रहीगली सी कहीं आज धनी होगा सी कहीं ज्ञानी होगा मु कहीं मूर्ख रही मु कहीं गरीब रही केवल कर्म अनुसार निर्धारित होता है आम को जी कर्म कले आम तार से फल ही आशा करवा अधिक कर्म कले अधिक फल पाइबा कम कर्म कले कम फल पाइबा चलतु कार्यक्रम आरंभ करवा जहाँ हो जाए सोरु सोरना ज्ञान गुरु सीजन टू पूर्णिमा मैडम सनातन बाबू खेलर नियम आपण मैंने आगुरी जाणी भी मुझे कही रखुची मात्र पांचटी प्रश्नर कथा पांचटी प्रश्नर सठिक उत्तर दे पारे आपण ए मंच पाइबे ज्ञान गुरु उपाधि आदि पांचटी प्रश्न भितर तीनोटी प्रश्नर सठिक उत्तर दे पारे ताहले ए मंच ने आध्यात्मिक पुस्तक प्रत्येक प्रश्न पर आपण को मिल 30 सेकेंडर समय जदि आपण मान भितर कहीं भी गोटे प्रश्नर सठिक उत्तर दे न पारे ताहले प्रश्न आर जन पाखक चली जदि गोटे प्रश्नर उत्तर आपण मैने दुई जन जाक भूल कले बाध्य दिजन को ये मंच रु विदाय नवाक पड़ बुझीगले तो प्रथम प्रश्न बजर राउंड प्रथम प्रश्न मो पार्टी सरवा क्षणी आपण मान पाखे अच्छी बजर स्विच आपण मैने बजर स्विच को दाबे पूर्णिमा मैडम मन ध्यान दे कि शुणु जीए प्रथम बजर दाबे रथम प्रश्न कटक काठजोड़ी बंध केऊ राजा अमर कीर्ति सनातन बाबू प्रथम बजर दाबी ए प्रश्न सनातन बाबू कटक काठजोड़ी बंध केऊ राजा अमर कीर्ति ऑप्शन हैला मरकत केशरी वीर प्रताप रुद्रदेव वीर किशोर देव भानुदेव समय आरंभ ऑप्शन आउ थे मरकत केशरी वीर प्रताप रुद्रदेव वीर किशोर देव भानुदेव मरकत केशरी को लॉक कर देबी ना आपण उत्तर बदलेबे ऑप्शन अछि वीर प्रताप रुद्रदेव वीर किशोर देव भानुदेव मरकत केशरी लॉक कर देली मरकत केशरी एकदम सटीक उत्तर सनातन बाबू ए विषय रे जानी थिले आज्ञा मु जानी थिली जे माने मु जेबे संकीर्तन सिखुथिली सेते बेले मोर जी संकीर्तन मत जी सिखांती मोर जी गुरुजी थिले सेठी माने मत सेठी ही सिखाई थिले कटक जोन रे तो मुझू सीखी आईठू टिके टिके शुणी से मने पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाव में प्रथम पहाच अतिक्रम करगले सनातन बाबू द्वितीय प्रश्न आपण प्रश्न जटिल भी हो पाए प्रश्न सरल भी हो पाए द्वितीय प्रश्न पचार पूर्व चलतु पूर्व प्रश्न को लेकिन आम गुरुदेव पाखे जावा प्रश्न थी कटक काठजोड़ी बंध केऊ राजा अमर कीर्ति से तो द्वंद्व भाया लगुला आज्ञा एत स्पष्ट उत्तर संपर्क तेज जहा हू प्रसंग रूमती कौन तक मन को आसला से कथाटा उत्तर ठीक देखिए केशरी वंशर कीर्ति कटक सहर भी बसई थे केशरी वंशर राजा दशम शताब्दी में बसी रूपकेशरी बसई थे एवं तार परवर्ती शताब्दी एकादश शताब्दी बरकत केशरी काठजोड़ी पथर बंध निर्माण कले तेनाली भाव जो प्रश्न उत्तर दे सठिक उत्तर देखते इतिहास प्रवेश थी सूचना मिलू बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव सनातन बाबू
द्वितीय प्रश्न प्रस्तुत रुहतु कौन करती आप गोटे प्राइवेट कंपनी रे मैनेजर अच्छी टोटल ओडिशा जोन देखुची तो मुझे संकीर्तन भी करे मो गुरु मते सब गोटे कथा सिखाती ये जो कली कलुष एथुर रक्षा पाइबापी हेले ये जो अज्ञान रूपक सब अंधकारमय भितर अज्ञान तिमिर ध्वस्य ज्ञान जन सलातकया चक्षुरुम मिलित जैन तस्मै श्री गुरुभैर नमः। अति सुंदर बहुत सुंदर सनातन बाबू आपण द्वितीय प्रश्न ओडिया मास क्रम पौष मास के स्थान रही ऑप्शन है सप्तम अष्टम नवम दशम समय आरंभ होबे ओडिया मास क्रम पौष मास के स्थान रही ऑप्शन है सप्तम अष्टम नवम और दशम तीस सेकेंड भितर आपको भाविक उत्तर देवाक पड़ो सप्तम सप्तम बड़पटे कहतु सप्तम 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 को लक कर देवी आज्ञा सप्तम को लक कर देली सप्तम ए विषय आपण आगु किछि जानिथिले द्वंद्व भितर अछि द्वंद्व भितर अछि नै कि सनातन बाबू आज्ञा आपण उत्तर रखिछन्ति सप्तम सप्तम संपूर्ण मात्रा रे भूल उत्तर ए प्रश्न चली जाउची पूर्णिमा मैडम को पाख को पूर्णिमा मैडम आपण को पाखरे तीनोटी ऑप्शन आउ अछि अष्टम नवम दशम आपण को उत्तर कौन रहइबो समय आपण को पाखरे नाही बड़ पटरे कोंतु नवम 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 टी हैला एकदम सटीक उत्तर अति चतुरतार सहकारे पूर्णिमा मैडम आपण नै गले बाजी वर्तमान आउ चारोटी प्रश्नर सम्मुखीन हेबे पूर्णिमा मैडम चारोटी प्रश्नर द्वितीय प्रश्न आपण पूर्णिमा मैडम कौन करती आपण घर काम करे हाउस वाइफ घर काम तो करती सबुठ भल कौन लगे घर काम भितर घर काम भितर मु तो सब रोसई ठु आरंभ करी गाई गोरु दायित्व बुझे बाहर खबर बुझे आध्यात्मिक कार्यक्रम देखिया पई समय केतळ मिले हम मिले संध्या बेले विज्ञान गुरु आ प्रार्थना चैनल लगे टिके देखे पिला छुआ केते अछंदी घरे आपनकर पिला सब तीन झियो बाहाय छंदी पुओ बाहाय किरी तार पोटिए नाती घरे अछंदी पुओ बहु नाती आ ये गोटे झियो ए झियो भुवनेश्वर रे आस्तिली गाई गुरु सेवा करिया पे भल लगे हां गाई गुरु केते रखछन गाई गुरु तीनोटी गाई गुरु अछंदी गाई खीरो भी दउछंदी तीनोटी भितरु को गाईटी आपनकु बेसी पसंद लागे ता ना कोन दैछंती ना ना जे हरंगी कोन हरंगी हरंगी भगवान सेवा सहित समान अति सुंदर भाव पूर्णिमा मैडम गो सेवा करें तो चलते पूर्णिमा मैडम पाखे द्वितीय प्रश्न पूर्णिमा मैडम मन ध्यान देखि शुणे रंभा जने स्वर्ग अप्सरा नाम मर्त्य के वृक्ष को रंभा कहती ऑप्शन है पणस नड़िया सपुरी कदमी समय आरंभ ऑप्शन आउ थे कहीदे पणस नड़िया सपुरी कदमी रंभा जड़े स्वर्ग अप्सरी नाम मर्त्य के वृक्ष को रंभा कहती कदली को लक कर देबी ना उत्तर बदलैबे लक कर देली कदली को लक कर देली पूर्णिमा मैडम आखि बंद करके कौन भावुचंती कदली सठिक उत्तर ना नहीं ए मंचरे बहुत ज्ञानी गुणी लोक माने आसंती आउ छोटिया छोटिया भूल करके ए मंचरु विदाय नैचंती द्वितीय प्रश्न थिला आपण को पाई आपण तार उत्तर रखिथिले कदळी कदळी सटीक उत्तर कि नाही पूर्णिमा मैडम कदळी काही कहिले काही कि कदळी गछ को मर्त्य रे रंभा बोली कहा जाए कदळी कथा काही कि भाबिले जानिनी जानची रंभा कदळी कहंती शुणी मुझे सब ब्राह्मण घर ना शिव मुंडे सब घर्षण हो रंभा सरखरा
ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି। ଅନୁମାନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। କଦଳୀ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଗୁରୁଦେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତ କହିଲେ ରାମଣ ଘର, ତେଣୁ ରମା ସହିତ ଆମର ସବୁବେଳେ କାରବାର ହୁଏ, ଶିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ରମା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କଦଳୀ ଗଛର ଅନ୍ୟ ନାଁ। ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନାରୀର ନଖ ଠାରୁ ଶିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି, ସେଇଠି ନାରୀର ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ରମା ସହିତ ତୁଳନା କରାହୋଇଛି। ରମା ମାନେ କ'ଣ ନା, କଦଳୀ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋଟା ହେଇକିରି ଏମିତି ସରୁ ହେଇକି ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ନାରୀର ଜାନୁ ଦେଶକୁ, ଜଙ୍ଘ ଦେଶକୁ ତାକୁ ଓଲଟ ରମ୍ଭା ବୋଲି କହି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବିମାନେ। କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ତା ମୁହଁଟି କେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି, ତା'ର ପାଦଟି କେମିତି, ତା'ର ନଖଟି କେମିତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତା'ର ଜାନୁ ଦେଶଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳକୁ ସେ ଓଲଟ ରମ୍ଭା ସଦୃଶ, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ରମ୍ଭାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇକରି ସେ କଦଳୀ ଗଛ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ତେଣୁ ତାକୁ ରମ୍ଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଅତି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ, ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ସ୍ମିତ ହସ ବି ନାହିଁ, ଉଦାସପଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଭାବନାରେ ରହିଛି? ଭାବନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ବସି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଚ୍ଛା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସରଳ ବି ହେଇପାରେ, ଜଟିଳ ବି ହେଇପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଟୁଆମାନେ କେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା ଝାମୁ ବ୍ରତ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ, ନାଥ ବ୍ରତ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ। ଝାମୁ ବ୍ରତ, ଝାମୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଝାମୁ ବ୍ରତ, ଝାମୁ ବ୍ରତ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଝାମୁ ବ୍ରତ ଚାହିଁଲେ ବଦଳେଇ ପାରିବେ? ଥରେ ମୁଁ ଲକ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଚାବି ଖୋଲି ପାରିବି ନାହିଁ, ଝାମୁ ବ୍ରତକୁ ଲକ୍ କରିଦେବି? ଆଜ୍ଞା, ପଛରେ ମୋ ଦୋଷ ଦେବେନି, ମୁଁ ଲକ୍ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଝାମୁ ବ୍ରତକୁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଝାମୁ ବ୍ରତ ଏବେ ଘଣ୍ଟ ଦୋଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲା ନା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଘଣ୍ଟ ବାହାରିବେ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାକେ ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ ଗୋଟାଏ ମାସ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କର କରିବେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ଆପଣ ଏତେ କଥା ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ଭୁଲ କେମିତି କହିବୁ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତୃତୀୟ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ହକଦାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ଜ୍ଞାନଗୁରୁର ଉପାଧି ନେଇକି ଯିବେ? ଖୁସିରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟା କେବେଠାରୁ ହେଉଛି, ଝିଅକୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ରହିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୋଟେ ପକାଉନା, ମୋ ଶାଶୁର ତୋର ପକେଇବି ବୋଲେ ପକେଇଦେ, ଆମର ଏମିତି ଯୋଗ ଏକାଥରେ ଆମର ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଡକେଇଲେ ମୋତେ ବି ସେଇଦିନ ଫୋନ୍ କରି ଡକେଇଲେ। ସନାତନ ବାବୁ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିବସନ୍ତି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଫେରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର ଜିତ ତ ଏମିତି ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଆଲୋଚନା କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ମାନେ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ହାର ଜିତ ଲାଗିବ, ଏତିକି ଖୁସି ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଉଟିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହଉ ଏତିକି କାମନା କରିକି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଯିବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ବୋହୂ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଘରେ ଯେହେତୁ ପାଠ ହେଉଥିବ, ଓଷାବ୍ରତ ଚାଲିଥିବ, ଏହିସବୁ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭରପୁର ହେଇକି ଥିବ, ତ ତାରି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ଜଣ ଗଣଦେବତା ଅଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ହେଲା 9, 10, 11, 12। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ
केते जनों गण देवता अछंती ऑप्शन हैला 9, 10, 11, 12 समय आरंभ हो जाइछि आपण करो ऑप्शन आउथरे कह दउछि 9, 10, 11, 12 समय ला नौ नौ को लॉक कर देली टाइम अप पूर्णिमा मैडम बहुत भाभी चिंतिकी नौ को सिद्धांत कले पूर्णिमा मैडम आपण देथिबा उत्तर नौ एकदम भूल उत्तर प्रश्न चली जाइछि सनातन बाबू को पाखकु सनातन बाबू आपण को पाखर तीनोटी ऑप्शन 10, 11, 12 समय किंतु आपण को पाखरे नाही 10 अवतार बोली 10 उफो बड़ दुखर सहकारे कहबा को पडुची आपण दि जण को जे 10 होउची एकदम सटीक उत्तर पूर्णिमा मैडम मन भितरे बड़ व्याघ्र थिला आपण को बड़ व्यस्तता थी पड़ते आपण जे जदि सनातन बाबू यार उत्तर भूल कर दिंती आप दिज को ये मंच रु विदाय नाक पड़ो कि आपण तो आध्यात्मिक पुस्तक जीति सारी द्वितीय पहाच आपण सहजरे अतिक्रम करिगले वर्तमान तृतीय प्रश्न बा तृतीय पहाच तृतीय प्रश्नर सठिक उत्तर आपण को दब आध्यात्मिक पुस्तक तृतीय प्रश्न सनातन बाबू आपण मन ध्यान दे कि शुणु वेदमाता किए ऑप्शन है गौतमी अहल्या गायत्री कामधेनु समय आरंभ होउची एबे गायत्री गायत्री वेदमाता किए वेदमाता किए गौतमी अहल्या गायत्री कामधेनु गायत्री 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 को लॉक कर देबी लॉक कर देली ओ ठीक समय रे लॉक हो गला ओ अल्प समय थिला गायत्री प्रश्न थिला वेद माता किए आपण जगन्नाथ धाम रु आछंती जगन्नाथ को भूमि रु आछंती वेद उपनिषद ए सब उपरे ज्ञान आपण को पाखरे भरपूर अछि किंतु छोटिया छोटिया भूल बेले बेले अज्ञानी कर दिए मनुष्य को आपण देथिबा उत्तर एकदम सटीक उत्तर सनातन बाबू एवे आपण को मुहरे से हस बाहरला तृतीय सब से प्रभु इच्छा जहाँ कि प्रभु जहाँ चाहती से हम इच्छा रे संसार चले नहीं प्रभु को इच्छा तापर आम कर्म कर्म निश्चिंत हमें कर्म जदि न करिवा केवल प्रभु को भरोसा करके बसी पड़ा निश्चिंत ताहले किछि फल मिलिवो नहीं फलप्रद हेबो नहीं तेणु से जहाँ भी हो आगे जावाक पड़ो तृतीय पहाच आपण सहजरे अतिक्रम करिगले आध्यात्मिक पुस्तकर अधिकारी हो गले चतुर्थ प्रश्न पर प्रस्तुत रुंतु चतुर्थ प्रश्न आपण सनातन बाबू चतुर्थ प्रश्न जीवा पूर्व सनातन बाबू पाखक चलतु पूर्व प्रश्न को लेकिन आम गुरुदेव पाखक जावा गुरुदेव प्रश्नटी थी वेद माता किए से जदि उत्तर दे ठीक उत्तर कितु ताक बहुत द्वंद्व भितर थी बहुत समय उत्तर बहुत समय नवार ता पछर कारण हूँ उत्तर ठीक भाव से जाणी ना अनुमान करू 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 सब प्रभु कृपा बोली कहते तेणु प्रभु कहले से है कहीं वेदमाता गायत्री वेदमाता गायत्री कहीं से तो जाना दरकार ना कहीदे अनुमान कर बाजिगला भूल भी होता कहीं वेदमाता हेटा भी जाना दरकार वेदमाता कहीं वेदर समस्त सार यही मंत्रटी अच्छी ये कौटू आगभेदर मंत्र ये ऋग्वेद विश्वामित्र ऋषि मंत्रर स्रष्टा ये मंत्रर केतोटी अक्षर अच्छे 24 अक्षर ओं भूर् भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तेणु ये जो 24 अक्षर ये 24 अक्षर जे गायन करिवो ताकु वेदमाता गायत्री त्राण करदेवे मुक्ति हो तार तेणु मुक्ति प्रदानकारी मंत्र बोली आपको गायत्री बोली गायत्री, गायत्री। गान गायन रु जे त्राण करे तो गायत्री तेणु या भितर सृष्टि समस्त तत्व अच्छे कौन समस्त तत्व ना पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच महाभूत पंच तन्मात्र
केते हला 20 को 20 टा हला 20 ता सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार ए समग्र सृष्टि रो जहां मूल सारभूत ए 24 टी तत्व भीतर अछि ए 24 टी जक तत्व 24 टी अक्षर भीतर समाहित होइ गेल छल तेणु सेति पई गायत्री मंत्र रो एते शक्ति तेणु वेद रो समस्त सार ए मंत्र रे थिबारु ताकू वेद माता बोली कह जाय बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव अति सुंदर भाव में विस्तार कले प्रश्नटी को सनातन बाबू चतुर्थ प्रश्न राजा सगर केऊ देशर राजा थिले ऑप्शन हैला मद्र देश अंग देश अयोध्या मगध समय आरंभ होउची एबे आउ थरे क्वेश्चन को राजा सगर केऊ देशर राजा थिले मद्र देश अंग देश अयोध्या मगध राजा सगर राजा सगर मगध देश मगध बड़ पटरे कोंदु मगध देश मगध को लॉक कर देली ओहो ए विषय रे किछि ज्ञान आगुरु थिला ना किछि नाही किंतु अनुमान करके कहि चंती जगन्नाथ को ऊपर भरोसा रखी कहि चंती चतुर्थ प्रश्न थिला सनातन बाबू सनातन बाबू उत्तर रखी थिले मगध मगध सटीक उत्तर ना नहीं जानिबा मगध सनातन बाबू आपण देइथिबा उत्तर मगध एकदम भूल उत्तर समान प्रश्न वर्तमान पूर्णिमा मैडम को पाखकु जाउची पूर्णिमा मैडम आपण को पाखरे तीनोटी ऑप्शन समय किंतु नहीं मद्र देश अंग देश अयोध्या मद्र देश मद्र देश मद्र देश एकदम भूल उत्तर बड़ दुखर सहकार कहवाक पड़ुची पूर्णिमा मैडम और सनातन बाबू आम नियमें आम बंधा जे दीज जिते बड़े भूल उत्तर देवे ये मंच रु विदाय नाकू पड़ो सठिक उत्तर टी है अयोध्या चलंतु ए प्रश्न नेकी हमर प्रिय गुरुदेव को पाखु गुजिबा सगर होचंति प्रकृति रे सूर्यवंशी राजा एवं सगर काहेकि प्रसिद्ध पुराण रे ना सगर 100 टी अश्वमेध यज्ञ करथिले 99 टी अश्वमेध यज्ञ तांकर निर्विघ्न रे समाप्त हला 100 तम अश्वमेध यज्ञ कला बेलकु अश्वमेध यज्ञ शेष रे गोटे अश्व परिक्रमा करे से जो अश्व परिक्रमा करे तांकर 60,000 पुओ थिले से अश्व को लेकर से अश्व जाइकरी पहुँचीगले कौटे ना कपिल मुनि आश्रम कपिल इंद्र गोटे कपट करी से कपिल मुनि आश्रम से अश्वटा को बांधिदे कहीं 100 अश्वमेध इंद्र सब भय तक पद चली तेणु ये अनश्वत अश्वमेध यज्ञ कर सारे 100 अश्वमेध यज्ञ सरीगले से इंद्रपद प्राप्त हो जाए काले तेणु से इंद्र कपट करी से अश्वटा को बांधिदे कौटे कपिल मुनि आश्रम अश्व जो फेरलानी ए सगरंकर 60,000 पुओ गले अश्वसंधान रे संधान रे जाई देखला कपिल मुनि आश्रम से बंधा है कपिल मुनि ध्यान करुचन से भाविले ए ऋषि आम अश्व को बांधी तेणु तांको नाना प्रकार तिरस्कार भर्सना इत्यादि कले कपिल मुनि अभिशाप दे देले तम भस्म हो जा 60,000 जाक पुओ भस्म हो गले एवं भस्म होकर से ही दिन ठारु से भस्मित अवस्था रही कष्ट पाइले तेणु तांकर पितृपुरुष उद्धार हो पारे बोली परवर्ती समय राजा भगीरथ जो कपिल मुनि साप दे गंगा जिते बड़े आसिक प्रवाहित होते सेतेबेले से मुक्ति पाइले तेणु सगरंकर परवर्ती वंशधर से सूर्यवंशी राजा अयोध्यार भगीरथ जाइकरी तपस्या करी गंगा को केते कष्ट आनिबा परे गंगा जिते बड़े प्रवाहित हेले से भस्मीभूत सगर वंशी मानक से माने मुक्ति पाइले तेणु ये सगर उपाख्यान बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव अति सुंदर भाव में व्याख्या कले पूर्णिमा मैडम सनातन बाबू अति सुंदर भाव में आप खेलुले तृतीय पहाच बिना कौनसी प्रतबंधक आपण अतिक्रम कर दुईज जाक आध्यात्मिक पुस्तक अर्जन कर सारी किंतु समय केतबेले क्या उपरकू नहीं जाए क्या केतबेले तले पकई दिए अनुरोध करी पूर्णिमा मैडम आउ सनातन बाबू को मंच सामना को आसवापी ता सहित अनुरोध करी आम प्रिय गुरुदेव को मंच सम्मुख को आसवापी
अनुरोध करी गुरुदेव को पूर्णिमा मैडम को ये आध्यात्मिक पुस्तक प्रदान करूँ। पूर्णिमा मैडम आसत जोरदार करताली देखिए स्वागत करूँ पूर्णिमा मैडम को आध्यात्मिक पुस्तक वर्तमान अनुरोध करी सनातन बाबू को जी पुरी आनातन बाबू को सी आम गुरुजी पाखर आध्यात्मिक पुस्तक ग्रहण करेंगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद सनातन बाबू पूर्णिमा मैडम आपण आसिले आम कार्यक्रम मान बढ़े कार्यक्रम सामिल होकर किसी ज्ञान दे किसी ज्ञान ने अनुरोध घरे जाटर या अति प्रिय लोक मान को किसी ज्ञान देवे एति की अनुरोध खुशी रे खुशी रे मंच रु विदाय नियंतु एति कौन कह चाहते कह कि कहवाक चाहिए निश्चित जी भी ये चैनल मध्यम देखुं समग्र ओडावासी को सूचना देवाई चाहिए ये जो कली प्रिपीड़ित ये जो कली कलुष समस्ते आम अंधकारमय संसार मध्य आलोकित होगापी हेले ये आध्यात्मिक हूँ आद्य समस्ते समस्ते आध्यात्मिक दिगक जीवा दरकार जमीक शंकराचार्य भाषा जीवन जान रे जोचा छ गोटी घोड़ा लगाम को कसी धरी लगाओ करोड़ा लगाम को छाड़ीदे अही नर्के पड़ी भांगी चून हेब तोर जीवन रगाड़ी अर्थात्मक मूलक जीवन हे गोटे जान बा रथ यही रथ मध्य छ गोटी घोड़ा जोचा होती छ गोटी घोड़ा किए से ना काम क्रोध लोभ मोह मद एवं आश्चर्य ये जो छ गोटी घोड़ा ये जो आध्यात्मिक ये हूँ ज्ञान रूपक चाबुक जीमितिका एक अश्व को तार मालिक तार चाबुक मारी आयत्त करे ये जो आध्यात्मिक ये हूँ चाबुक सदृश तो आम यही आध्यात्मिक मध्यम ये कलिकलसुर रक्षा पाई निश्चित बहुत बहुत बढ़िया कथाटी कहले जुव समाज गोटे जोरदार करताली जाऊ सनातन बाबू पूर्णिमा मैडम सनातन बाबू क्षमा करेंगे ये मंच तो आपला नहीं ज्ञान गुरु उपाधि किंतु आध्यात्मिक पुस्तक देकी संतुष्ट कराइला दुखरे नुहे ए मंच रु खुशी खुशी विदाय नियंतु जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद ता सहित मुझे अनुरोध करी गुरुदेव को गुरुदेव आपण स्थान को फेरी जाते चलतु आज अध्याय आउ दुई नुआ प्रतिजोगी को ये मंच को निमंत्रण करवा से दुई नुआ प्रतिजोगी मध्य प्रथम प्रतिजोगी हेले मंजुश्री दास जे आसंती भुवनेश्वर रु आसंती नमस्कार मंजुश्री मैडम ये हूँ ज्ञान मंच ज्ञान गुरुर मंच ए मंच रे आपण को पाद पड़ा आमे मध्य ये मंच तरफ स्वागत जनाऊ आपण को ये मंच को आपण सहित आ किए स्वामी देवता आ स्वामी देवता अति सुंदर बलभद्र सुभद्राए जगन्नाथ आउरी अति सुंदर अनुरोध करी आपण आपण स्थान ग्रहण करने बहुत बहुत धन्यवाद मंजुश्री मैडम सहित जी आज ये मंच रे ज्ञान युद्ध करे ज्ञान परीक्षा देवे सी आसी सदर तालचेर रु से मुरलीधर साहू नमस्कार मुरलीधर बाबू नमस्कार स्वागत करुछु हमर ए ज्ञान गुरु मंच को तालचेर रु आछंती आगे आपण सहित आ के आछंती रो जणे लाप्ती लागिव आछंती बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को स्वागत करुछु ए मंच अनुरोध करबी आपण आपण को स्थान ग्रहण करिया पई बहुत बहुत धन्यवाद दुई प्रतिजोगी आम पाखे पहुंची गले चलत आरी करवानी आरंभ करदे जहा हो सुरु सोर ना ज्ञान गुरु सीजन टू मंजुश्री मैडम मुरलीधर बाबू मोरे आरंभ दुईज नाम आरंभ करवा आज कार्यक्रम कार्यक्रम नियम आपण मैंने आगुरी जाणी भी मुझे कही रखा चाहिए मात्र पांचटी प्रश्न कथा यदि पांचटी प्रश्नर सठिक उत्तर देदे तेल यही मंच रु आप ज्ञान गुरु उपाधि नहीं कि जाऊँगी तीनोटी प्रश्नर सठिक उत्तर देले तेल आध्यात्मिक पुस्तक अधिकारी पार प्रत्येक प्रश्नपाई आपन को समय मिल 30 सेकेंड जदि आपण मान भितर कहीं भी जड़े गोटे प्रश्नर सठिक उत्तर दे नपारे तेल प्रश्नटी आर जन पाखक चली जाव आदि आपण दी जन जाक गोटे प्रश्नर सठिक उत्तर दे पारे ना तो ये मंच छाड़क पड़ो दी जन जाक प्रथम प्रश्न जहाँ को हमें बजर राउंड बोली कहू
मो मुहरु प्रश्न सरीबा मात्रे आपणको पाखरे अछि एक स्विच जहाँ बजर स्विच जे आगो दाबिबो ता पई रहिबो प्रथम प्रश्न महाभारत रे अर्जुनक रथर पतकारे कहार छवि शोभा पाउथिला मंजुश्री मैडम प्रथमे बजर दाबिचंती ए प्रश्न सीधा सळक मंजुश्री मैडम को पई महाभारत रे अर्जुनक रथर पतकारे कहार छवि शोभा पाउथला ऑप्शन 4 टी अछि महादेव हनुमान कृष्ण वरुण समय आरंभ होउछि एबे हनुमान आपणक उत्तर हनुमान देखिबा हनुमान सटीक उत्तर ना नाही एकदम सटीक उत्तर मंजुश्री मैडम कोण करंती घरे ते बही पत्र टिके पढे पुराण टिके पढे आ ई गुरु कथा बोले आ देखे जो सब चैनल रे दउछि तो प्रकार हिंदी चैनल ढोडिया चैनल तो सब गडा देखे मते एडा भल लागे देखे को भागवत गीता टिके पढे रामायण टिके पढे ई मोर काम नित्यदिन रे काम घरे आ की के अछंती ଘରେ ପୁଅ ବୋହୁ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେଟା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୁ ହେଉଛି ଜଜ୍ ଅଛି ବଡ଼ ପୁଅ ସିଓ ଅଛି କମ୍ପାନୀର ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଜର୍ମାନୀର ଅଛନ୍ତି ସାନ ବୋହୁ ଝିଅମାନେ ବି ସବୁ ଚାକିରି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ବାହ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ନାମାନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ହେଲା ମୃଗଶିରା ପୁଷ୍ୟା ମଘା ଭାଦ୍ରପଦ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ ଭାଦ୍ରପଦ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଦ୍ରପଦ 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 ଲକ୍ କରିଦେବି ନା ଉତ୍ତର ବଦଳେଇବେ ଭାଦ୍ରପଦ ଲକ୍ କରିଦେବି ଲକ୍ କରିଦେଲି ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଅନୁମାନ କରି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିନି ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏକଦମ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସହଜରେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କୋଷ ରହିଛି ଅନ୍ୟମୟ କୋଷ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ମନମୟ କୋଷ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ପଞ୍ଚମ କୋଷଟିର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ହେଲା ସର୍ବମୟ କୋଷ ଦିବ୍ୟମୟ କୋଷ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ କୋଷ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର କୋଷ ରହିଛି ଅନ୍ୟମୟ କୋଷ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ମନମୟ କୋଷ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ପଞ୍ଚମ କୋଷର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ହେଲା ସର୍ବମୟ କୋଷ ଦିବ୍ୟମୟ କୋଷ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ କୋଷ ଦିବ୍ୟମୟ କୋଷ ଲକ୍ କରିଦେଲି ଦିବ୍ୟମୟ କୋଷକୁ ଲକ୍ କରିଦେଲି ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦିବ୍ୟମୟ କୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଯାଉଛି ମୁରଲୀଧର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁରଲୀଧର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ସମୟ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଅପସନ୍ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଏକଦମ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁରଲୀଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ଖେଳର ନିୟମ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ତ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବି ନଥିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ଆଜିର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଖେଳକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ମୁରଲୀଧର ବାବୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ମୁରଲୀଧର ବାବୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ମୁରଲୀଧର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ ଅପସନ୍ ହେଲା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୟଦ୍ରଥ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଶିଖା ସାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଉ ଥରେ ସାର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ
उत्तरांक गर्भस्थ संतान परीक्षित को विनाश करने किए चेष्टा कर विफल हेले अस्वस्थमा सर अस्वस्थमा अस्वस्थमा को लक कर देबी लक कर देली केमिति जानले असत्यम पढ़ी आशीर्वाद मत रखिले नारायण परीक्षित निजे श्रीकृष्ण रक्षा करते सुदर्शन धरिकी कर्ण परमाण परीक्षित अति सुंदर भाव में मुरलीधर सारंगर प्रश्नर उत्तर मंजुश्री मैडम दौंती माने मुरलीधर सार आपण उत्तर एकदम सठिक उत्तर अति सुंदर भाव आपण द्वितीय प्रश्नर सठिक उत्तर देकी दुईटी पहाच अतिक्रम करिगले मुरलीधर बाबू तृतीय प्रश्न आध्यात्मिक पुस्तक प्रश्न आध्यात्मिक पुस्तक ये प्रश्न कच्छपी कौन ऑप्शन है एक प्रकार अश्व एक प्रकार श्वान एक प्रकार बीणा एक प्रकार तैल समय आरंभ हो बड़पाटी कहतु एक प्रकार बीणा बीणा को लक करदेवी ना आप उत्तर बदल ये मंच में मुं बारंबार कही रखुची चार प्रकार सर महती कछपी आउ दुटा कंटी मन पड़ी चार्टा बीणा सर बीणा को लक करदे ओहो मुझे आज्ञा आगुरु जे छोट छोट प्रश्नर उत्तर दबा जटिल पड़े ना सर भूल हम भूल हबनी किंतु आपण सठिक भाव प्रश्न सुनी पारि नथिले कि कौन मु जानिनी मंजुश्री मैडम ये प्रश्न जदि आपण को गला तो आपण यार उत्तर सेते बेले रखिबे जेते बेले मुरलीधर बाबूंकर उत्तर भूल हबो किंतु मुरलीधर बाबूंकर उत्तर एकदम सटीक उत्तर ए कौतुकिया प्रश्न को नेक चालंतु गुरुदेव को पाखू जीवा आपण बिना संपर्क रे एते धारणा केमती अच्छी कछपी गोटे बीणा बीणार ना कहीं कछपी गोटे बीणार ना बीणार कछपी ये बीणाटा आप देखापी से जो तल अंशा तार गोटे गोटे बड़ लाउरे भी तैयारी हुए सीटा भी अच्छी ये जो कईछ भलिया कईछर पिठीटा जमती से बीणार तल अंशटी सेमती तेनाली कछपी बीणा बोली तार जेहेतु बीणा बीणार तार गुड़िक जो आरंभ होरको जाए जगार से जो पिंडटी थाए जोठू स्वर उत्पन्न हुए से जगटा कईछर पिठी आकृति रही थाए बोली कछपी बीणा बोली कह जाए गोटे सुंदर ज्ञान तर अच्छी विषय बहुत धन्यवाद आप बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर बाबू अति सुंदर भाव में गोटे पर गोटे पहाच आपण चढ़ी चली तृतीय प्रश्नर सठिक उत्तर देकी आपण आध्यात्मिक पुस्तक वर्तमान अर्जन कर सारी चतुर्थ प्रश्न आपण ओहो समय बड़ बलवान आज्ञा कौन करवा समय सरीगला आपण मानक नुहे आम कार्यक्रम आम कार्यक्रम ये आज रही पड़ो कि आपने कड़े जीवन आपण मैंने रही आम सहित आपण मैंने रे भी रही आम प्रिय गुरुदेव भी रे कि आउ एक नुआ अध्याय से जाए रही जहाँ सुरु सोरना ज्ञान गुरु सीजन टू पुणी देखा हम आउ गोटे नुआ सलीट दमदार अध्याय से विदाय दिंतु रही नमस्कार जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।